पुल गिरा, जब पुल गिरा तो पुल पे सिर्फ आपके पति था और कोई नहीं था? कोई नहीं था। कैसे गिर गया पुल? पुल तो बहन चोद इसको उड़ा गया। कौन उड़ा दिया? वहाँ जो उड़ा ना यूपी में यू आर पत्रकार 11 से काम कर रहे थे। एक साल से काम कर रहे थे। अच्छा, पिछली बार जब पुल गया था उस समय कहाँ थे? वो इस साइड थी। एक बार जिस दिन सुल्तानगंज के अगवानी पुल पर है, जो पिछले साल गिर गया था, मनीष कश्यप आकर के दिखाए थे और ये कहे थे कि फिर से पुल गिरेगा 5 साल के अंदर। 1 साल के अंदर ये पुल गिर गया। आप देख सकते हैं कि धाराशाही पूरा हो गया है। पिलर नंबर 10, 11, 12, 13 कई सारा पिलर यहाँ पे गिर गया जो कि धाराशाही हो गया। शाम के समय लगभग 150-200 करोड़ रुपया का नुकसान बताया जा रहा है। एक परिवार यहाँ बैठ करके धरना दे रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार घुरा के इधर दिखाइए। एक परिवार है जो यहाँ बैठकर धरना दे रहा है। इनके परिवार के एक लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, गार्ड का ड्यूटी दे रहे थे, पिलर नंबर 10 पे लेबर थे, लेबर ड्यूटी दे रहे थे, जिनकी पत्नी है, यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, इनका जिम्मेवारी कौन लेगा, जरा सोचने वाली बात है। क्या नाम था आपका पति का? विभास कुमार। हाँ, विभास कुमार। क्या काम करते थे यहाँ पे? लेबर का। लेबर का कितना दिन से काम कर रहे थे? 1 साल से। 1 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, पिछली बार जब पुल गया था उस समय कहाँ थे? वो इस साइड थी। एक बार जिस दिन पुल गिरा वो तो दिन में गिरा था ना। अच्छा, हाँ, दिन में गिरा था। अंदर तो फोन दिया था। हाँ। आज तो अंदर नहीं था ना। हाँ। तो जो 1 बजे से पहले जिनको पता था उनको बताना चाहिए ना। जैसे जब पुल गिरा तो पुल पे सिर्फ आपके पति था और कोई नहीं था? कोई नहीं था। मतलब पहले से सबको पता था कि पुल गिरने वाला है? ये जब वहाँ पर ऊपर चढ़ा था इनको बताना चाहिए ना कि पुल गिरने वाला है, उधर नहीं जाइए। इनको कोई नहीं बताया। कोई नहीं बताया। कितने बजे ड्यूटी करने के लिए पुल पे आए थे? 5 बजे। 5 बजे शाम में। कितने बजे पुल गिर गया था? 6:10 6:10 में। अच्छा, लास्ट बार बात कब हुआ था आपके पति से? बात नहीं हुआ है। बात एक बार भी नहीं हुआ है? नहीं। घर से जाने के बाद गए तो फिर इसके बाद मोबाइल लेके गए थे, कॉल उल लगाए आप लोग? नहीं, मोबाइल में लगाए 6:00 के बाद। मेरा बड़ा भाई है, उनका भाई है, फोन किया, बोला घर में है, बोले नहीं, 5 बजे निकल गए। अच्छा, आपका कितने बच्चे हैं टोटल? कितने बच्चे? 4 है। देख लीजिए, इनका टोटल 4 बच्चा है। इनके पिताजी भी इधर है। 4 बच्चा का अभी सब कहाँ जाएगा, जरा सोचने वाली बात है। चाचा, ये बताइए कैसे ही सब हो गया? यही पर देख लीजिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये अभी। हाँ, क्यों? अच्छा, क्यों, क्या, कैसे गिर गया, क्या हो गया? कंपनी पर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना? लगना चाहिए, नहीं लगता। हमें जाना चाहिए, एक सरकार है, सब ने पाले, चुनाव पैसा ले, कहते कि छपिया बेटा बचा दिए, भेजे जाइए, कोई पार्टी नहीं, कोई जात नहीं। कैसे गिर गया पुल? पुल तो बहन चोद इसको उड़ा गया। कौन उड़ा दिया? वहाँ जो उड़ा ना यूपी में यू आर पत्रकार 11 नक्सल को ऐसी कह करके जो मुसलमान को मारा था, उसने कहा था बदला, वही सब बदला हो रहा है। तो बिहार में तो और भी बहुत पुल है लेकिन गिर नहीं रहा, लेकिन यही पुलवा बार बार गिर जाता है। ओरिजिनल डकैत है, सिंगला थे, ओरिजिनल सिंगला डकैत है। उसको मैं पहले भी कहा, उसके पीएम को मैं कहा हूँ, आई एम टेलिंग, बार बार मैं कहा है कि बकाते हैं, मैं 74 इस पुल को बनते मैं शुरू से देखा। हर रोज परसों भी, कल भी हम नहाने के लिए आए थे, आज भी आया हूँ, दोबारा मैं आया हूँ, एक बार भी नहीं इंजीनियर सब बोला है कि पुल डोलता है, एक बार भी नहीं बोला है, कभी नहीं। आई जब आम पब्लिक तो यहाँ का कहता है कि पुलवा डोल रहा था, बेचारा डोले या बोले छे दूसरा बात पर ना, एक बेटी जो हजम करेल के वहाँ से उड़ेल कर पुल उड़े वाला छे, बाप रे, एक खर्च ये हम बड़ा कर छे, लोहा लक्कर जितना और कौन सीमेंट कह छो उतना दाम के, दो पुल में नहीं लाभ पता चल रहा था। ऊपर खबर आप कह रहे पुलवा बरियार बना था लेकिन बम से उड़ा दिया, पिछला साल भी तो गिर गया बरसात में आंधी पानी, इस बार तो धूपे लगने से गिर गया है। उस पार बार जो था ना, सच्चा पूछिए, हम भी उस पार गए, उसका नट जो था ना इसका वो जोड़ा ही नहीं था, बस वो हवा जो बहन उसमें नीचे बहुत मर जाता, तो हवा देख करके भाग गया जो बच गया, उस बार इससे भी जबरा रास्ता होता, लेकिन वो नट के इंजीनियर का कमजोरी था ना वहाँ। हमारा है इसी जगह बैठे हुए, कहता है कि उसका ओवरसियर आकर के हमारा डुमरिया का आदमी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हटिए नहीं है, आपको कैसे मालूम चला कि बम लगा के उड़ा दिया गया है? हम जानते हैं इसका काम ठोस था और शुरू से पुल जब बना है तब रहता था, गिरता था, पापड़ के तरह पूरा टूट के फूट गया, दिखाइए एक बार जरा, सुनिए, पापड़ के है भा ऊपर में रोज जाता था,
उद्घाटन से पहले ही ना टूट गया, देखिए उद्घाटन में नहीं हुआ, मैं कहता पूरा रेडी भी नहीं हुआ है, भागलपुर भी हुआ, इसका जहाँ भी हुआ है लूटता है बेटी चोर सिंगला, चोर सिंगला। सरकार नहीं लूट रहा है ना, सरकार ये सिंगला लूट रहा है, सरकार के पैकेट पैसा नहीं जा रहा है, जाता नहीं, कमीशन नहीं लेता होगा क्या बेटी चोर, कहते थे 100 बार की चुनाव करता है सब पैसा लेता है, एक मुखिया लड़ता है 3 लाख करोड़ों बहन चोर, और पूरे हिंदुस्तान में कोर्ट केस चुनाव लड़ता है, कहाँ से बाप घर से देता है, हम ही आपको लूट करके चुनाव कमीशन सबका बंधा हुआ, हम ही आप लोग ना पैसा लेते हैं वोट देने के लिए, कौन लेता है पैसा ना ले छा है। हाँ। पैसा बड़का मोटका दे छे गरीबा के, हमरा तोरा पैसा थमे बहन चौदह, हमरा जे सांसद खन की नाम के बाबू केशव बाबू कल के हमको 4000 बीघा जमीन है, हमको हवाई अड्डा है बाबू, हमको कोई कमी नहीं, डुमरिया में ले डुमरिया का आदमी, हम वहाँ आल्सो अवेलेबल देर, विधायक भी वहाँ कल कहे सभी पैसा ले ला 10-10 हजार 20 हजार का जितना छो न चुनाव मुखिया सरपंच लड़े ले ले हमें। अच्छा अभी 24 घंटा बीतने को अभी तक कोई आया देखने, कोई बहन चोद आते सब कमीशन ले लो के कोई जात पात नहीं, आपका क्षेत्र का विधायक आया कथी ला बोले छो, मुखिया आई लेने छे विधायक से छोरन बहन चोद तो अब चीज हमरा कथी ले छे, हमरा कोई कोई नहीं आया देखने, कोई देखने नहीं अभी तक, अभी इलेक्शन का समय है कहां, अभी इलेक्शन का समय थोड़ी ना, इलेक्शन का समय होगा तब लोग आते हैं, तब आएगा, देख लीजिए यहां पे दिखा रहे थे कि घाट से यहां पे पूरा परिवार धरना प्रदर्शन कर रहा है, धरना प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहा है कि परिवार का एक लोग यहां पे ड्यूटी दे रहा था पिलर नंबर 10 पे, गिरने के बाद जो है ना ये पिलर के अंदर कहां धस के रह गया, जो कि अभी तक परिवार को लाश तक नहीं मिला, लाश का खोजारी के लिए एनडीआरएफ का टीम भी है, इधर से उधर चक्कर लगा रहा है लेकिन लाश भी नहीं मिल रहा है, बाकी हमारा कैसा लगा प्रयास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पुल पर से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।